तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रेक्स और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेक्स कॉमिक्स में। तो जल्दी हमारी सेल्टर की स्टोरी खत्म होने वाली है और आप में से कुछ लोग मार्वल के ऊपर वीडियो लाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ही मार्वल की दो सीरीज ला चुका हूं, एक द डार्क कैप्टन मार्वल वर्सेस द एवेंजर्स एंड द कॉस्मिक थॉर। तो ये दोनों सीरीज की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये स्टोरी खत्म होने के बाद मैं और भी मार्वल्स के ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो चलिए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की औसम वीडियो। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है रीटा के पैलेस से, जहां पर रीटा कहती है कि वेल पावरफुल जोडॉन एवल्टार मेरे पास आए हैं मदद के लिए। अरे भाई, समय कैसे बदल गया। तो जोडॉन कहते हैं हाँ, ये समय बदल गया है। तो कमांडर क्रूगर कहते हैं कि भरोसा करो, तुम हमारी पहली चॉइस नहीं थी। तो रीटा कमांडर क्रूगर से कहती है कि मैं कुत्तों से बात नहीं करती, और वो कमांडर क्रूगर की बेइज्जती करते हुए कहती है कि फिनिस्टर 5, तने कुछ जाओ इनके लिए खाने के लिए कराओ, इनको अपनी जगह तो दिखा दो। तो कमांडर क्रूगर कहते हैं जरा करके तो देखो, और जोडॉन कहते हैं बस बहुत हुआ। रीटा, हम सब यहाँ पर एक मकसद से आए हैं, एक बहुत बड़ा खतरा हम सब के ऊपर मंडरा रहा है, उसका नाम लॉर्ड ड्रैगन है। तो रीटा कहती है यस मैं जानती हूँ, उसने बहुत सारे रेंजर डिमेंशन पर कब्जा कर लिया है और ये सब देखने में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और जोडॉन कहते हैं कि ग्रिड को पाने का उसने जो तरीका अपनाया है, अगर उसने उसको चालू रखा तो ये जल्दी ये एक्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो डॉगी क्रूगर कहते हैं और तुम भी इस एक्जिस्टेंस का एक हिस्सा हो तो तुम भी मिट जाओगी। फिर रीटा जोडॉन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। माय लॉर्ड, मुझे दूसरी दुनिया से एक बहुत ज़रूरी खबर पता चली है। हमारी एडवांस स्क्वाड ने बताया है कि दर्जनों पावर रेंजर्स उनके कमांड सेंटर में टेलीपोर्ट हुए हैं और वो काफ़ी बड़ी सेना है। ओह, तो आपने निंजा स्टील को पिघला लिया है। यस, अब हम हमारे आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो मैं ज़्यादा ताकतवर कनेक्शन चाहता हूँ ग्रिड से। माय लॉर्ड, निंजोर जानता है कि हमने क्या बनाया है और वो सब हमारे टावर को गिराने के लिए आएंगे, तो इसीलिए बचे हुए आखिरी मॉर्फस को भी दे दो। मैं सब कुछ आज इस युद्ध के मैदान में ही ख़त्म कर दूंगा। हम सब इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती के लिए खड़े हैं, वो चुनौती जिसने हम सबको एकजुट किया। हम में से बहुत लोग एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन बाकी सब अजनबी हैं। वो चुनौती जिसने दोस्त जल्दी बनाए और एक नई शुरुआत की। हम सब खड़े हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सही कर रहे हैं। हमें किसी भी हालत में हारना नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रैगन के पास कितनी बड़ी सेना है या वो कितना ताकतवर है, क्योंकि वो चीज़ कभी नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं। उस चीज़ का वो हिस्सा कभी नहीं बन सकता जो हम हैं। तो एक गहरी सांस लो और खुद को तैयार कर लो, क्योंकि हम सब उस चुनौती का सामना करने वाले हैं जो कभी भी किसी ने आज से पहले नहीं किया होगा। हम सब अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि हम सब पावर रेंजर्स हैं। पावर रेंजर्स! फिर की माती और कहती है गाइस वो तो काफी औसम था। तो जेसन कहता है हाँ, लॉरेन ने उसको लिखने में मेरी मदद की थी। और किम कहती है तुम लोगों ने तो मेरी अगली हिस्ट्री की स्पीच के लिए एक हिंट दे दिया। फिर जेसन लॉरेन एंड किम से बैटन प्लान के बारे में डिस्कस करता है। वो लॉरेन से कहता है कि लॉरेन तुम मेरे साथ ग्राउंड पर रहकर टीम को लीड करोगी, किम तुम मेगाजॉर्ड संभालोगी। तो वो कहती है हाँ, लेकिन ड्रैगन जॉर्ड के बैटल मोड में पेरोडैक्टिल का क्या काम। तो जेसन कहता है मैं जानता हूँ, इसीलिए ये लो, और वो उसको ड्रैगन डैगर देता है। फिर किम थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जेसन ने उसको लीड करने के लिए चुना था, और फिर वो जेसन को गले लगा लेती है। रेंजर्स, जोडॉन अपनी पोजीशन पर हैं। चलो अब कर भी दो अल्फा। तो ठीक है, मैं ड्रैगन के बारे में रिपोर्टिंग शुरू करता हूँ। रेंजर जैसे ही ड्रैगन के वर्ल्ड में पहुंचते हैं, वो सब काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन की सबसे बड़ी सेना वहां पर थी और वो भी अपग्रेडेड।
जेसन कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो लॉरेन कहती है, क्या तुम सच में जानते थे कि ये सब होने वाला है? सब लोग तैयार हो जाओ और जिसके जिसके पास बैटलाइजर मोड हो वो एक्टिवेट कर लो। हम सब तैयार हैं। तो पावर रेंजर्स, लो हम चलें, हमला! और एक तरफ जोर्डन और बाकी सब लॉर्ड ड्रैगन के वर्ल्ड में पहुंचते हैं, जहां पर रीटा लॉर्ड ड्रैगन के थ्रोन के ऊपर एक स्पेल कास्ट करती है। रेंजर्स और ड्रैगन के सोल्जर्स के बीच में एक बैटल शुरू हो चुकी है। हर एक रेंजर अपनी फैमिली, अपने यूनिवर्स, अपनी रियलिटी को बचाने के लिए पूरी जी जान से लड़ रहा है। ओली भाई, ये ताकत मुझे दे दो, मैं इसका तुमसे अच्छा इस्तेमाल करूंगा। अरे नहीं, उसकी तलवार तो हम लोग की पावर छीन सकती है, हम इसका सामना अब कैसे करेंगे? तो येलो रेंजर कहती है, हमारे पास उससे बड़ी प्रॉब्लम है। ओह नो गाइस, पीछे देखो। अरे नहीं, वो हमारी चार मेगाजॉट्स को खत्म कर दिया, हमें उसे जरूर रोकना होगा। ये ताकत मैं ले लेता हूँ, थैंक यू। हे, जरा इसे लेकर दिखाओ। किम ड्रैगन लेगर और अपने बो की कंबाइन पावर की मदद से लॉर्ड ड्रैगन के ऊपर एक हमला कर देती है। फिर लॉर्ड ड्रैगन कहता है, कमजोर रिलेशन किम्बरली, आज तुमने अपना बेस्ट शॉट भी खो दिया, तो चलो अभी मुझे दे दो। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर लॉर्ड ड्रैगन वहां से तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर लॉर्ड ड्रैगन तुरंत ही अपने वर्ल्ड में पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि रीटा उसके थ्रोन पर बैठी हुई है। रीटा कहती है कि लॉर्ड ड्रैगन, मैंने तुम्हें एक सीट का देने का ऑफर किया था, लेकिन अब उस पर कब्जा हो चुका है। तुमने क्या किया है? तो रीटा कहती है, ज्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं, बस एक कैंडल और दो चार स्पेल। मैं तुम्हें ताकतवर होने का पूरा क्रेडिट दे देती, पर क्या करूं, ये सब मेरी फाउंडेशन के ऊपर बना है। फिर लॉर्ड ड्रैगन जोर्डन से कहता है कि तुमने एक शैतान के साथ डील की मुझको रोकने के लिए। तो जोर्डन कहते हैं कि तुमने मेरे पास और कोई चारा नहीं छोड़ा था। फिर रीटा कहती है, चलो अब बहुत हो गया, अब मैं जैसे इस कैंडल को बुझाऊंगी, लेकिन अब मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकती। तो जोर्डन कहते हैं, रुक जाओ रीटा, हमारे साथ ये डील नहीं हुई थी, तुम इसको जितना देर तक रोक सकती उसको रोक के रखो। तो रीटा कहती है, जोर्डन, यही तो मेरे और तुम्हारे में फ़र्क है, जो ज़रूरी होता है वो तुम नहीं करते हो। और अचानक रीटा और बाकी सबको एक तेज झटका लगता है, और वो झटका दिया था फिनिस्टर फाइव ने। माय लॉर्ड, उन्होंने आपको जख्मी कर दिया। वो कैंडल मेरी ताकतों को ही चिरा है। तो हमें इसे बुझा देना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं, मैं अभी भी इसे महसूस कर सकता हूँ। चलिए माय लॉर्ड, चलिए मैं आप पे कुछ टेस्ट करता हूँ और इसका रास्ता निकालता हूँ। नहीं, अब लड़ाई शुरू हो चुकी है और हम सब बहुत ही करीब आ चुके हैं, मुझे और मॉर्फोस चाहिए। लेकिन माय लॉर्ड, वो तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, और मैंने आपको चेतावनी भी दी थी कि अगर आपने अपनी पावर और बढ़ाई और मॉर्फोस को इस्तेमाल किया तो वो बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा आपके लिए। जैसे जैसे हर एक पल बीत रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे लिए क्रिट का भविष्य मुझसे दूर होता जा रहा है। लेकिन ये आपको जल्दी खत्म कर देगा माय लॉर्ड। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। माय लॉर्ड प्लीज, ऐसा मत करिए, मुझे आपकी बहुत परवाह है। ठीक है फिर, थैंक यू माय फ्रेंड, हर एक चीज के लिए जो तुमने मेरे लिए किया। माय लॉर्ड प्लीज, मेरे साथ तो मत कीजिए, मैं आपका। और लॉर्ड ड्रैगन फिनिस्टर फाइव का भी गला तोड़ देता है। और इधर रेंजर्स और ड्रैगन के सोल्जर में अभी भी बैटल चल रहा है, और दूसरी तरफ लॉर्ड ड्रैगन अपनी ताकत को और बढ़ाने जाता है।